हेलो स्टूडेंट्स, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग पुनः फैक्टर्स थ्योरम पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर थ्योरम का पार्ट टू है, जिसमें कि हम लोग सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। यदि आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो बेटर समझ के लिए आप पहले इसका पार्ट वन देख लीजिए, जिसमें कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को निकालने सीखे थे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो के पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर्स क्या होता है और किस तरह से जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जाए तो हम उसको स्टेप वाइज एक वर्किंग स्टेप्स में निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन सेटर वहां से आगे बढ़े और क्वेश्चन ये दे दे कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, वो क्या करे, 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स को नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोले, वह कह दे कि फाइंड द सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 360, या वो कह दे कि फाइंड द सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 360, या फाइंड द सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स ऑफ 360, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, पहला दो स्टेप हम लोग बिल्कुल वही करेंगे जो वहां पर करते थे। क्या करते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में? स्टेप वन, एट फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर, एंड स्टेप टू, एक्सप्रेस देम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग यही करते थे ना कि जो दिया गया नंबर होता था उसको पहले अभाज्य गुणनखंड में बदल लेते थे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते थे और फिर उसको घातांक के रूप में सजा लेते थे। तो उसके अनुसार अगर हम लोग 360 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके इसे घातांक के रूप में सजाएं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। कि पहले तो स्टेप को हमने किया कि सबसे पहले 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे और उसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से डालेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स आपको सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालनी है यदि आपको कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहला दो स्टेप तो कॉमन होगा जो वहां पर करते थे कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर एंड एक्सप्रेस देम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर स्टूडेंट, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए आप देखो जिस भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है ना, जैसे 2 का पावर 3 है, तो आप 2 के पावर को 0 से स्टार्ट करो और प्लस करते हुए इसको इसके मैक्सिमम पावर तक ले आओ। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 3 दिया हुआ है, तो आप इसको 2 के पावर 3 तक लाओ, फिर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करो, फिर 3 का पावर कितना है, 2 है। तो किसी को भी हम पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस करते हुए उसके मैक्सिमम पावर तक चले जाएं। 3 का पावर 2 है तो 2 तक ही हम ले गए, 2 का पावर 3 था तो हम उसको 3 तक ले गए थे, फिर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करो, 5 का पावर 1 है। हमने क्या सीखा कि हम किसी भी चीज के पावर को 0 से शुरू करेंगे और प्लस करते हुए उसके मैक्सिमम पावर तक चले जाएंगे और फिर आप इसको सॉल्व कर दो। तो किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1। आप जानते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, अगर a^0 है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर a^0 है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1। 2 का पावर 1 का वैल्यू 2, 2 का पावर 2 का वैल्यू 4 और 2 के पावर 3 का वैल्यू 8। सिमिलरली 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9। सिमिलरली 5 का पावर 0 1, 5 का पावर 1 5। अब आप इसको सॉल्व करो तो 8 + 4 = 12 + 2 = 14 + 1 = 15 (9 + 3 = 12 + 1 = 13) (5 + 1 = 6). अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या 15 × 6 = 90 और 13 × 19 तो 13 × 9 = 117 और 0 तो 1170। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, अगर आपको कभी भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो जिस भी नंबर का निकालना होगा, अगर हमको 360 का सम ऑफ सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसमें जो भी बेस का एक्सपोनेंट हो उसको हम, जैसे 2 का पावर 3 है तो हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस करते हुए मैक्सिमम पावर तक आ जाएंगे। 3 का पावर 2 है, 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस करते हुए मैक्सिमम पावर तक आ जाएंगे।
5 का पावर 1 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस करते हुए मैक्सिमम पावर तक आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालनी हो, कि जो सिर्फ इवन फैक्टर्स है इसका 360 का, अगर कभी आपको सिर्फ उसका सम निकालना हो, सम गुणनखंडों का जो, तब आप क्या करें। तो जैसा फैक्टर थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में होता था कि फर्स्ट दो स्टेप कॉमन होता था, तो यहां भी वही होगा। तो पहला दो स्टेप तो ऑलरेडी हम करके रखे हैं कि हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। बस फर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जब आप सम ऑफ टोटल फैक्टर्स करते थे तो 2 के पावर को भी क्या करते थे कि 0 से शुरू करते थे और एक्सटेंड करते हुए उसके मैक्सिमम पावर तक ले जाते थे। लेकिन अगर आपको इवन फैक्टर निकालनी होगी, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो 2 का पावर 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको एक्सटेंड करते हुए उसके मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे। ध्यान रहे ये नियम सिर्फ 2 के लिए चेंज होगा, बाकी नंबर में वही पुराना नियम रहेगा, हम उसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस करते हुए उसके मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे। 5 का भी 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक ले जाएंगे। नियम चेंज सिर्फ 2 के लिए होगा। फिर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। नेक्स्ट हो जाएगा ये क्या, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1092। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो सिर्फ फर्क क्या होगा कि टोटल फैक्टर्स में हम सबके पावर को 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले जाते थे, लेकिन इवन में हम सिर्फ 2 में क्या करेंगे, 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले जाएंगे और 2 के अलावा बाकी सब में सेम, कि 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले जाओ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यदि आपको सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स निकालनी हो, इफ यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो फिर आप क्या करोगे, विषम गुणनखंडों का योग यदि आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे कि टोटल में हम सबका पावर 0 से स्टार्ट करते थे और मैक्सिमम तक ले जाते थे, इवन में सिर्फ 2 का 2 के पावर 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले गया और बाकी सब में पुराना नियम 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक ले गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स को निकालने के लिए 2 का चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो, आप सिर्फ 2 का पावर 0 लिखो। 2 का पावर 0 भी रहेगा तो 0 लिखेंगे, 1 भी रहेगा तो 0 लिखेंगे, 3 भी रहेगा तो 0 लिखेंगे, 8 भी रहेगा तो 0 लिखेंगे, 10 भी रहेगा तो 0 लिखेंगे, कुछ भी रहेगा 2 का पावर, हम लिखेंगे सिर्फ 2 का पावर 0 और बाकी सब में वही पुराना नियम कि आप 0 से स्टार्ट करो और प्लस करते हुए मैक्सिमम पावर तक चले जाओ। आप 0 से स्टार्ट करो और प्लस करते हुए मैक्सिमम पावर तक चले जाओ। तो फिर आप इसको सॉल्व कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और ये 5 प्लस 1 6, तो ये टोटल 78 हो जाएगा। आप इवन और ऑड का प्लस करोगे तो टोटल फैक्टर्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो हमको अगर उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, और ये उसका पार्ट 2 है कि अगर आपको सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालनी हो, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स निकालनी हो, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके हेल्प से आप बहुत सारे नंबर्स का बना सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप बना करके इसका तीनों ही सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बना करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपके आंसर का वेट रहेगा। अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप ज़रूर इसको बनाएं और बना करके इसके सॉल्यूशंस को आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो थैंक यू।